सी कब्ज इसलिए होता है, आपने पानी नहीं पिया पूरा दिन 2 से 3 लीटर तक, आपके डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं था और आपको गलत हैबिट्स की आदत पड़ गई है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जिससे भी आपका कोलन ड्राई होने लगता है। आजकल फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड लोग खाने लगे हैं, दे थिंक इट्स हेल्थी, यू नो बहुत फाइबर है। फ्रूट्स के साथ कभी भी दूध मिक्स नहीं करना चाहिए, फ्रूट्स और दूध आर इनकम्पैटिबल। हम हनी, शहद और घी को इक्वल मात्रा में मिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज घी एंड हनी आर इनकम्पैटिबल। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोस आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप इस चीज को इसके साथ मत खाइए, उसको इसके साथ मत खाइए, टॉक्सिन है, ये है, वो है। सो आपके हिसाब से अगर डाइट है वेजिटेरियन, तो कौन कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशन है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, अदरवाइज वो आपके गट हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा खराब है। इट्स कॉल्ड विरुद्ध आहार इन आयुर्वेदा। ये जो कह रहे हैं ना कुछ लोग सोशल मीडिया पे, ये सच ही कह रहे हैं। विरुद्ध आहार जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आयुर्वेदा में। विरुद्ध यानी रॉन्ग या कॉन्फ्लिक्टिंग, आहार यानी फूड। रॉन्ग और कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स कैन क्रिएट डिजीजेस इन द बॉडी। अगर आप फल को दूध के साथ खाएंगे, इवन एप्पल मिल्क शेक, इवन बनाना मिल्क शेक, तो वो आपके शरीर को वीक करता है। एप्पल में सिट्रिक एसिड होता है, ओके, जो नींबू में पाया जाता है। नींबू में ज्यादा होता है, एप्पल में थोड़ा कम होता है। एप्पल में सिट्रिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड है। ये एसिड जो है मिल्क प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके मिल्क को कर्डल करने रखता है। अगर आप एप्पल मिल्क शेक बनाते हैं, आधे घंटे के बाद आकर आप उसको देखिए, वो किस तरीके से ब्लैक होने लगता है, उसका रंग बदल गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजेशन हैज गॉन अप, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल गो अप इन योर बॉडी, इन्फ्लेमेशन विल गो अप इन योर बॉडी, फ्री रेडिकल्स विल गो अप इन योर बॉडी। और आपको लगता है कि आपने फ्रेश पी लिया तो पेट में कुछ नहीं हुआ, वो पेट में जाके कर्डल कर रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके लीकी गट सिंड्रोम यानी होल्स इन योर गट और स्किन डिसऑर्डर, स्किन एलर्जीज हो सकते हैं, इम्यूनिटी वीक हो सकता है। तो द कॉम्बिनेशन दैट यू शुड अवॉइड, नंबर वन इज फ्रूट्स के साथ कभी भी दूध मिक्स नहीं करना चाहिए, फ्रूट्स और दूध आर इनकम्पैटिबल। दूध के साथ सिर्फ दो फल मिक्स कर सकते हैं, एक है मैंगो, आम और दूध को मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात है अवोकाडो, अवोकाडो और दूध को भी आप मिक्स कर सकते हो। दूसरी चीज है फ्रूट्स को सब्जियों के साथ मिक्स ना करें। आजकल फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड लोग खाने लगे हैं, दे थिंक इट्स हेल्थी, यू नो बहुत फाइबर है, बट रिमेम्बर फ्रूट्स को पचाने में 3 घंटे लगते हैं शरीर में, 1 घंटा स्टमक, 1 घंटा यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल अंतरिया और बिग इंटेस्टाइन, 1 घंटा। वेजिटेबल्स को ज्यादा वक्त लगते हैं क्योंकि उसमें डाइटरी फाइबर होता है, उसको पचाने में थोड़ी और मेहनत लगती है। जब आप दोनों को साथ में मिक्स करके खाते हो, देन द डाइजेस्टेड फ्रूट पुशेस द अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसे ब्लोटिंग गैस होने लगता है, या द अनडाइजेस्टेड वेजिटेबल फ्रूट को पेट में ही रख देता है ज्यादा वक्त। तो फ्रूट क्या है, स्टमक एसिड्स के साथ और ज्यादा रिएक्ट करके स्टमक एसिड्स बनाने लगता है, एसिडिटी करने लगता है, बर्निंग सेंसेशन करने लगता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। तीसरी चीज है फल और अनाज को मिक्स नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ओट मील के ऊपर यू नो फ्रूट को अच्छे से सजा के खाते हैं, उससे क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश हो जाता है, लेजी हो जाता है, क्योंकि वो एकदम स्लर्पी, एकदम गीला स्टफ पेट में आ जाता है। फ्रूट एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग प्रक्रिया है, ओट मील को डाइजेस्ट करने के लिए अलग डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, दोनों मिक्स हो गया तो आपका पेट कन्फ्यूज हो जाता है, उससे आपका एनर्जी लेवल स्लो होता है। स्मूदीज लोग बहुत पीने लगे आजकल, स्मूदीज बहुत ही गलत चीज़ है, जिसमें आप दूध और दही और यू नो फ्रूट्स, थोड़ा वेजिटेबल सब मिक्स करके आप बना रहे हो, सब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपके पेट को और भी स्लगिश करने लगता है, वीक करने लगता है। जैसे पुराने जमाने में हम खाना खाते थे, रोटी अलग से बनती थी, सब्जी अलग से बनती थी, दाल और चावल सबको अलग तरीके से पका के फिर उसको साथ में सदरस भोजन बनाते थे, जिसमें हर 6 स्वाद का भोजन प्रक्रिया होती थी, थोड़ा सा अचार भी होता था, थोड़ा सा पापड़ भी होता था, थोड़ा पका हुआ सैलड या उबला हुआ सैलड भी होता था। कच्ची सब्जियां और पका हुआ आहार दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए। अगर आप कच्ची सब्जी खा रहे हो, समझो गाजर और खीरा, तो आप पहले खाइए, फिर आधा घंटे बाद कुक्ड मील का सेवन करें। ये छोटे मोटे रूल्स है, इसको आप फॉलो करिए। और एक और एक चीज़ है, हम हनी, शहद और घी को इक्वल मात्रा में मिक्स नहीं कर सकते। पंचअमृत बनता है मंदिर में, पंचअमृत एक प्रसाद की तरह होता है, हम सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा घर में 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच घी मिक्स करके खाएंगे, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है, पेट में अलग तरीके से एसिड्स बनने लगते हैं, बिकॉज घी एंड हनी आर इनकम्पैटिबल। सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज बेसिक विरुद्ध आहार कॉम्बिनेशंस, इट विल मेक श्योर दैट यू नेवर गेट सिक। आई थिंक जो जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे थे, जो सेवन कर रहे थे इन चीजों का, अब उन्हें पता चल गया कि नहीं,
अब नहीं करना ये सब चीजें. बट जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं ना डॉक्टर, तो जो एक्सक्रीटा है, जो स्टूल पास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कई लोग होते हैं जिनसे आप बातचीत करेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार मैंने सिगरेट नहीं लिया, मैंने चाय नहीं ली, मैंने कॉफी नहीं ली सुबह, इसलिए मेरा प्रेशर नहीं आया. तो इसका क्या रिलेशन है, मतलब ये सिर्फ मेंटल चीजें हैं या फिर सच में कुछ आपके गट पर कुछ वो प्रभाव डालता है? सी कब्ज इसलिए होता है, मल्टीपल फैक्टर्स. नंबर वन, आपने पानी नहीं पिया पूरा दिन 2 से 3 लीटर तक. दूसरी चीज़ है, आपके डाइट में डाइटरी फाइबर नहीं था. फाइबर जो है, इट्स क्रिएट्स मूवमेंट, इट एड्स वॉल्यूम टू द वेस्ट एंड इट अलाउज द वेस्ट टू कम आउट. अगर आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन नहीं किया तो आपका जो खाना है, रोटी और चावल और दाल, वो पेट में ऐसे ही फंसा हुआ पड़ा रहेगा. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने की वजह से वो मूवमेंट होता है, प्रेशर आता है नेचुरल. तीसरी चीज़ है, कब्ज इसलिए भी होता है क्योंकि आप लेट उठते हैं, ओके, और आपको गलत हैबिट्स की आदत पड़ गई है, जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, जिससे भी आपका कोलन ड्राई होने लगता है, ओके. फिर उसके बाद आपको कॉफ़ी पीनी पड़ रही है टू क्रिएट दैट प्रेशर, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज कॉफ़ी जो है प्रेशर क्रिएट करता है, बट इट ऑल्सो ड्राइज अप द इंटेस्टाइन्स एंड कोलन फ्रॉम इनसाइड. आपको वो टेम्प्ररी रिजल्ट देता है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देता है, जो है लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, अंदर की अंतड़ियाँ सूखने लगती है. कॉफ़ी हैज़ अ वेरी ड्राइंग इफेक्ट एंड कॉफ़ी इज़ वेरी एसिडिक, तो आपको तुरंत स्विच ऑन कर देता है, तुरंत आपके बॉडी के यू नो कोर्टिसोल लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाता है और आप दौड़ने लगते हो, जैसे कि आपके पीछे कुछ जानवर पीछे पड़ा है. पुराने ज़माने में व्हेन वी वर केव पीपल, तब हमारा कोर्टिसोल लेवल तभी बढ़ता था जब पीछे कोई जानवर आ गया, तब तक हम शांत रहते थे. लेकिन आज तो पूरा दिन हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से भी हमारा कोलन फंक्शन नहीं हो पा रहा है. तो इसीलिए हम लोगों को गलत चीज़ों की आदत पड़ गई टू क्रिएट मोशन. कायम चूर्ण खाना, इस सब गुल खाना, यू नो सिगरेट स्मोकिंग करना, कॉफ़ी पीना, ये सारी चीज़ें गलत है. आपको रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस करना है. डाइटरी इनटेक, विच इज़ योर फाइबर. सेकेंड इज यू नो लिक्विड हाइड्रेशन. एंड थर्ड इज नो स्ट्रेस. एंड नंबर फोर इज नो लेट नाइट मील्स. नंबर फाइव इज डीप स्लीप. डॉक्टर, जब हम कब्ज की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है जो आपका जो स्टूल पास करने का टाइमिंग है वो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, हमने भी वो बहुत सारी चीज़ें देखी. उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका पूप है ट्वाइस और थ्राइस अ डे इज़ नॉर्मल हेल्दी, बट हमें तो बचपन से ये बताया गया, ये समझाया गया कि आपने सुबह सुबह एक बार अच्छे से फ्रेश हो गए, मतलब इट्स गुड. Yes. So, क्या रिलेशन है, क्या सच है, किस पर यकीन करना है? Not everybody can go to the bathroom 2 to 3 times a day. Okay. Now, back in the day, you know, योगी रोगी और भोगी को लेके बात करते थे. योगी someone who is able to eliminate waste 3 times a day. Okay. But a yogi eats only 1 meal a day. वो दिन में सिर्फ एक भोजन का सेवन करता है, तो वो एक ही बार बाथरूम जाता है. हम दिन में 3 बार सेवन करते हैं, इसलिए हमें कहा गया कि 3 बार आप पेट साफ करो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे डाइट में उतना फाइबर है नहीं. तो अगर आप सुबह उठकर एक बार भी वॉशरूम चले गए, अच्छे से कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट हो गया है, तो वो भी काफ़ी है. अगर आप 2 बार गए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार जा रहे हो वो भी गलत है. इट्स कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर या डायरिया सिम्टम्स, जिसको फूड टॉलरेंस की वजह से ट्रिगर होता है. आप बार बार गलत खाना खा रहे हो और आपकी बॉडी में इरिटेशन हो रहा है, यू नो देयर इज अ बिट ऑफ अ ट्रिगर इन योर इंटेस्टाइन्स एंड कोलन, इसलिए आपको बार बार बाथरूम भागने की जरूरत पड़ रही है, वो भी गलत है. उससे मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, स्पैस्टिक कोलन हो सकता है, मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें आपका बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे से तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा. आप खाना खा रहे हो, तुरंत वॉशरूम जा रहे हो, फिर वो हाफ डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन्स में ऐसे मूव करके अंदर स्क्रैचेस, इंटरनल फिशर्स, इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकता है, हेमरॉइड्स भी कर सकता है. So that is also unhealthy. So don't fall for all the information that you read on the internet. A yogi who does a lot of yoga and does a lot of disciplined lifestyle, okay, can eat 3 meals a day and go to the bathroom 3 times a day. But a yogi eats only once a day and goes to the bathroom once a day. Agar aapke diet mein itna fiber hai, to aap bhi naturally 2 se 3 baar ja sakte hain. Lekin hamare diet mein itna fiber hai hi nahi. हम इतनी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करते ही नहीं, तो इसलिए अगर आप एक बार भी अच्छे से पेट साफ कर ले तो वो भी काफी है. डॉक्टर, पेट साफ करने के बाद में मुझे एक और चीज़ याद आ गई. कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हमें पी के लिए जाना, मतलब हमें फील होता है कि वी नीड टू पी, या फिर कई बार हमें पूप के लिए भी फील होता है, बट हम उसे अवॉइड कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें रहती हैं. तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? एक बार दो बार तो ठीक है, बट जो बार बार हम ऐसा करते हैं, हर दिन करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है? दैट मीन्स योर
डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड योर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स आर स्लगिश, वीक, एग्जॉस्टेड, फटीग, या उसमें कोई तरीके का टॉक्सिन इकट्ठा हो गया है, हैवी मेटल्स इकट्ठा हो गया, आपका बॉडी बहुत तकलीफ से, बहुत मजबूरी से बार बार जाने की कोशिश कर रहा है उसको निकालने के लिए, तो इस वक्त आप पंचकर्मा ट्रीटमेंट कर सकते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर मेडिसिन और डाइट ले सकते हैं या मोनो डाइटिंग कर सकते हैं, यानी अगले 7 दिन तक आप सिर्फ खिचड़ी का सेवन करें, जब तक आपका पेट अच्छे से साफ होके वो जो अंदर फंसा हुआ कचरा बाहर ना आ जाए तब तक आप मोनो डाइटिंग करें। जब पेट अच्छे से साफ होके अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं फिर उसके बाद आपका बाउल मूवमेंट्स अपने आप नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आप बार बार अगर आप जा रहे हो देन दैट मींस इट्स कॉलिंग फॉर अटेंशन, योर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स नीड योर अटेंशन। डॉक्टर, हम लोगों के घर में जो फ्रिज आ गया है तो जो भी चीज़ बचती है, कुछ हाफ हमारा वेजिटेबल कटा हुआ बच गया है या फिर जो रात का खाना बच गया, कुछ भी हो हम सब कुछ फ्रिज में रख देते हैं, हमें लगता है कि ठीक है अगले दिन उसको यूज़ कर लेंगे और खा लेंगे गर्म करके या जैसे भी खा लेंगे। लेकिन आपने शायद अपने वीडियोस में कई बार मेंशन किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए फ्रिज में रखने से, तो वो चीज़ें क्या हैं एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिए और उसका इफेक्ट क्या होता है वो भी प्लीज़ एक बार मेंशन कर दीजिए। ये चीज़ है ना बहुत ही वायरल हो गया था बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो फ्रिज में नहीं रखते हैं। नंबर वन इज टोमेटोज। टोमेटोज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए बिकॉज उसमें सीड्स होता है वो अपने आप राइप होने लगता है, तो टोमेटोज को अक्सर हम बाहर ही रखते हैं। ओके, एंड इट्स टेक्निकली अ फ्रूट, तो उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, उसको अच्छे से पकने दीजिए, जैसे ही वो पक जाए उसको खाने में इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है पेपर्स, यानी कैप्सिकम, अंग्रेजी मिर्च कहते हैं, उसको भी फ्रिज में ना रखें क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वेरी एक्टिव, इट्स बेस्ट टू कीप इट आउटसाइड। तीसरी चीज़ है अवोकाडो। अवोकाडो में भी एक बहुत बड़ा सीड होता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है, उसको बाहर ही रखें, जब वो पूरी तरीके से पक जाए तभी उसको आप गोकोमोल या कोई यू नो सॉस बनाने में इस्तेमाल करें, फ्रिज में ना रखें। अगर आधा बच गया तो आप उसको अच्छे से ढक दे के सीड के साथ फ्रिज में रखें आधा या एक दिन, फिर उसके बाद तुरंत इस्तेमाल करें। चौथी चीज़ है आलू, प्याज और लहसुन, इसको फ्रिज में कभी नहीं रखते हैं। प्याज और लहसुन जो है इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू मॉइस्चर, फ्रिज में मॉइस्चर और ठंडा रहता है। आलू, प्याज, लहसुन जो है दे ग्रो इन अ डार्क एनवायरमेंट अंडर द ग्राउंड, ओके, वो एक तरीके से सूखा एनवायरमेंट भी होता है। व्हेन दे कम आउट आल्सो, यू नो व्हेन दे आर अप्रूटेड, यू मस्ट स्टोर देम इन अ डार्क कूल ड्राई प्लेस, जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे थोड़ा सा कूलनेस हो, ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो, एंड जहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस हो, यानी वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आलू, प्याज, लहसुन को 3 अलग बास्केट्स में डाल के, आलू को अलग बास्केट, प्याज और लहसुन को अलग बास्केट में डाल के हम एक ड्राई डार्क कॉर्नर में रखते थे। फ्रिज में अगर आप ये रखेंगे देन द अनियन स्टार्ट्स अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर एंड इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग मोल्ड। द मोल्ड इन इनिशियल स्टेजेस रिलीजेस अ टॉक्सिन कॉल्ड माइकोटॉक्सिन्स, जिसकी वजह से डायरिया, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, ये सारी सिम्टम्स होने लगती है, IBS। फिर एडवांस स्टेज में ये जो मोल्ड है ब्लैक ग्रीन हो सकता है, इनिशियल स्टेज में व्हाइट कलर का होता है, हमारे आंखों को दिखता नहीं है। एडवांस स्टेज में ये एफ्लोटॉक्सिन जैसे टॉक्सिन्स को फैलाने लगता है, उसका सेवन करने से किडनी कैंसर, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज भी हो सकता है। माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लोटॉक्सिन्स को लेकर WHO ने भी बहुत ज़्यादा यू नो प्रसार किया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसको लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। गार्लिक जो है बहुत जल्दी मोल्ड पकड़ता है, आपको लगता है कि ऊपर मोल्ड आया है सिर्फ ब्लैक कलर का, हम उसको ऐसे काट के डाल देंगे और बाकी सब अच्छा रहेगा, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर थोड़ा भी मोल्ड आ गया उसको पूरा फेंकना पड़ेगा बिकॉज दैट मोल्ड हैज स्पोर्स, स्पोर्स इज डीप रूट्स विच यू कांट सी विद योर नेकेड आई। तो मोल्ड यहाँ पे हो सकता है लेकिन उसका रूट एकदम डीप अंदर है, वो पूरा सब्जी खाने लायक नहीं है। आलू, प्याज, लहसुन को फ्रिज में ना रखे, कैप्सिकम को फ्रिज में ना रखे, टमाटर को फ्रिज में ना रखे, अवोकाडो को भी फ्रिज में ना रखे। ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखें। और फल को हमेशा फ्रिज के बाहर रखते हैं, एप्पल हो, यू नो एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, मौसम्बी, पपीता, सीताफल, चीकू, इन सबको फ्रिज के बाहर ही रखते हैं। फ्रिज में कौन सी सब्जियाँ रखनी चाहिए आपको? जो पत्ती वाली सब्जियाँ जिसको मॉइस्चर की ज़रूरत है क्योंकि वो सूख जाती है बहुत जल्दी, जैसे पालक हुआ, धनिया पत्ती हुआ, करी पत्ता हुआ, मेथी हुआ, इन सबको फ्रिज में रख सकते हो। मटर को भी आप फ्रिज में रख सकते हो, भिंडी है, फ्रेंच बीन्स है, इनको आप फ्रिज में रख सकते हो। तो डॉक्टर, ये बात तो हुई सब्जियों की, फलों की, क्या कोई पर्टिकुलर फूड भी है ऐसा जो आपको नहीं रखना चाहिए? लाइक सपोज करिए कोई फ्राइड फूड है या फिर कोई कच्चा फूड है या दाल है, इस तरह की चीज़ें कुछ अवॉइड करनी चाहिए? मेन है चावल। ओके, जो चावल पक गया है अच्छे से
उसको एक घंटे से ज्यादा हम बाहर भी नहीं रख सकते क्योंकि उसमें मोल्ड पैदा होने लगती है, फंगस होने लगता है. व्हाइट कलर का मोल्ड है जो आपको आंखों को दिखता नहीं है. दैट व्हाइट मोल्ड अगेन लीड्स टू माइकोटॉक्सिन्स, एफ्लोटॉक्सिन्स, जो आपकी किडनी और लिवर को डैमेज करता है. ओके, मोल्ड शुड नेवर बी कंज्यूम्ड. चावल बनाने के बाद एक घंटे के अंदर तुरंत आपको फ्रिज में रखना है, लेकिन आप फ्रिज में भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते. राइस एंड पीनट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स दैट कैचेस मोल्ड. इसमें सबसे ज्यादा मोल्ड पैदा होता है. हम लोग अक्सर यू नो चावल बना के 3 दिन तक फ्रिज में रख देते हैं, फिर रोज उसका फ्राइड राइस बनाते हैं, सुशी बनाते हैं. इससे बहुत ज्यादा फूड पॉइजनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं. इसको फ्राइड राइस सिंड्रोम भी कहा गया है. हम जब बाहर फ्राइड राइस खाते हैं, बिरयानी पुलाव खाते हैं, अगले दिन पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसको ना राइस को पहले ही बना के फ्रिज में रख के उसको ठंडा किया गया, फिर पुराना राइस को निकाल के वापस फ्राई किया गया है, ना कि गर्म राइस को. इसलिए फ्राइड राइस सिंड्रोम की वजह से डायरिया सिम्टम्स होने लगते हैं. बिरयानी पुलाव आप जब भी बाहर खाते हो तो आपको तुरंत पेट खराब होता है अगले दिन सुबह. अगर आप खाना ही है घर में फ्राइड राइस, बिरयानी पुलाव, सुशी, तो आप सुबह चावल बना के उसको ठंडा करके शाम तक उसका इस्तेमाल करते, रात भर ना रखे. रात को अगर आपने चावल बनाया तो रात को आप रख के अगले दिन सुबह उसका चावल का पूरी या चौंका हुआ चावल बना सकते हो, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा ना रखे. दैट्स द मिनिमम रूल फॉर चावल. दाल अगर आपने ज्यादा बना दी, तड़का देने के पहले ही आप दाल को अलग से निकाल दीजिए, आप फ्रिज में रख सकते हो. मेक श्योर उसमें थोड़ा सा पानी रहे ताकि उसमें ना वो फूलन का स्मेल ना आए, दैट इज फाइन. सब्जी आप बना के फ्रिज में अगर रख रहे हो तो उसको सेम डे आपको सेवन करना चाहिए. द प्रॉब्लम विथ वेजिटेबल्स इज आप गर्म सब्जी को फिर आप फ्रिज में रखते हो, उसको ठंडा करते हो, फिर वापस उसको गर्म करते हो, तो उसका तेल बहुत ज्यादा छूटने लगता है. इससे वो खाना जो है सात्विक से लेकर तामसिक हो गया है, यानी वो बीमारियां क्रिएट कर सकती है. इनर्शिया, डलनेस, फटीग, स्लोनेस, एनर्जी लेवल्स को ड्रॉप कर देता है. तो द रूल इन योगा एंड आयुर्वेदा इज खाना बना के 3 घंटे के अंदर उसका सेवन करें. ठीक है, बिजी करियर्स हैं तो आप सुबह खाना बना के उसका पूरा दिन के अंदर इस्तेमाल करें, ना कि रात को रखें अगले दिन. डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो एक सेलेब लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदा इंट्रोड्यूस किया है, तो आप क्या यहाँ पर बता सकती हैं उन्हें किस तरह का बेनिफिट हुआ, जो ड्रास्टिक चेंज जिसे आप कह सकते हैं, आप बता सकती हैं आप? सी, बोथ सेलेब्स एंड नॉन सेलेब क्लाइंट्स, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू अस. दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी लोग हैं. ओके, नाउ आई गिव यू सम गुड स्टोरीज. एंड आई हैव अ टीम ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपिस्ट हु वर्क विद मी. मैं पिछले 7 साल से आयुर्वेदा को लेकर रिसर्च करती आ रही हूँ, एंड आई एम मोर एन आयुर्वेदिक एजुकेटर. जो रिसर्च मैंने किया उसको मैं आगे फैलाती हूँ. इस बात को लेकर मुझे एक ऑनररी डॉक्टरेट 2 इंस्टीट्यूट्स ने दिया था, इसीलिए ये डॉक्टरेट टाइटल लगा है. मैं अभी न्यूट्रिशन भी पढ़ रही हूँ हार्वर्ड के साथ, और स्टैनफोर्ड के साथ गट माइक्रोबियम पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को दोनों को मिला के हम लोगों की सेवा करें. नाउ द सेलेब्स एंड द नॉन सेलेब क्लाइंट्स, बोथ ऑफ देम फेल्ट दीज इम्पैक्ट. नंबर 1 इज उनका गट जो पचान की शक्ति तुरंत बढ़ जाती है, डाइजेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, और वेट लॉस तो बहुत ही ईजी है. 7 और 8 दिन के अंदर उनको 5 किलो का वेट लॉस हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके शरीर में जो पचा हुआ या अनडाइजेस्टेड, सॉरी नॉट पचा हुआ, जो नहीं पचा है, अनडाइजेस्टेड फूड जो फंसा है वो बाहर निकलने लगता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट में, आयुर्वेदिक डाइट से. तो उससे उनका शरीर अपने आप हल्का होने लगता है, डिजीजेस बाहर आने लगती है. तो वेट लॉस इज अ साइड बेनिफिट of Ayurvedic diet and treatments. इसके अलावा मैंने काफी सारे patients को देखा है जिनको बहुत ही chronic IBS के symptoms थे. 1 घंटे में 10 से 13 बार वो bathroom जाते थे, कभी road cross भी नहीं कर पाते थे क्योंकि पता नहीं कब उनको IBS का symptom हो जाए. 2 साल घर से बाहर नहीं निकले, depression में चले गए. उनको हमने 15 दिन के अंदर Ayurvedic medicines और diet दिया, सिर्फ treatment भी शुरू नहीं किया था. उन्होंने 13 से 15 दिन के अंदर दुबई जाके अपनी बेटियों को सरप्राइज किया था क्योंकि उनके IBS का सिम्टम रुक गया था, और दिन में सिर्फ 1 या 2 बार वो वॉशरूम जा रहे थे. दैट वॉज द अमेजिंग बेनिफिट दे सॉ. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स रिवर्स डिजीजेस लाइक सोरायसिस, एक्जिमा, रोजेशिया, अर्टिकेरिया. ये तो बहुत ही जल्दी आसानी से आयुर्वेदा में क्योर हो जाता है. कब्ज की बीमारियां, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, एसिडिटी, रिफ्लक्स, पेट को लेकर जितनी बीमारियां, स्किन को लेकर जितनी बीमारियां है, वो बहुत जल्दी से रिवर्स होने लगता है. फिर आपके जो ब्रेन रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, इस पे भी असर पड़ता है. गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पीसीओएस, पीसीओडी, हमारे बहुत पेशेंट्स हैं जो पीसीओएस, पीसीओडी को पूरी तरह से रिवर्स कर चुके. एक छोटा बच्चा भी था 13 साल का, उसने थायराइड को रिवर्स किया 1 साल के अंदर. 13 साल के बच्चे ने थायराइड को रिवर्स किया और उसका BMI नॉर्मल हो गया है. ही इज ऑफ मेडिसिंस,
एंड वी ऑल्सो हैड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 3 पेशेंट्स जो चलने लगे हैं विदाउट फिजिकल सपोर्ट, क्योंकि उनके मसल्स वापस स्ट्रॉन्ग होने लगे थे, उनके नर्वस सिस्टम में फीलिंग्स आने लगे. देर आर लॉट ऑफ मिरेकल्स वी हैव सीन इन आयुर्वेदा. जब हम जड़ से उसको बीमारी को एड्रेस करते हैं तो कोई भी बीमारी को हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर डिम्पल, आप हमसे जुड़ी और हमारे ऑडियंस के जितनी भी कंफ्यूजन थी, जो भी सवाल उनके मन में थे आयुर्वेदा को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर या फिर गट हेल्थ को लेकर, वो सब कुछ आपने बहुत सॉर्टेड तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया. आई गेस अब उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर तब भी आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको कुछ हमसे जानना है, पूछना है, तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुँचें और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएँ. फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही. वी विल बी राइट बैक विद अनदर सेशन. तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत. कीप वॉचिंग NBT.